अध्याय 18। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन के नाले के पार गया। वहां एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा पलटन को और महायाजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उससे ये कहते ही कि मैं हूँ, वे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ, यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ कि ये वचन पूरा हो जो उसने कहा था कि जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी न खोया। शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखुस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार काठी में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे न पीऊं? तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। ये वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। शमौन पतरस और एक और चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। ये चेला महायाजक का जाना पहचाना था और यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के चेलों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधकाकर खड़े ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। तब महायाजक ने यीशु से उनके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछा। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैंने जगत से खोलकर बातें की, मैंने सभा और आराधनालयों में जब सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते हैं सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या कहा। जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? हन्ना ने उसे बंधे हुए काइफा महायाजक के पास भेज दिया। शमौन पतरस खड़ा हुआ ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, क्या तू भी उसके चेलों में से है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में न देखा था? पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्ग ने बांग दी, और वे यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए। और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर ना गए ताकि अशुद्ध न हो, परंतु फसह खा सके। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात की नालिश करते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वो कुकर्मी ना होता
तो हम उसे तेरे हाथ न सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उनसे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें। ये इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने ये पता देते हुए कही थी कि उसका मरना कैसा होगा। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरे ही जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है, तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उनसे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? और ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी यह रीति है कि फसे में तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं। तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा डाकू था।